यहाँ पे डीसीपी में आके आप चेक करते हैं किसने आईपी किसको दिया है। इसने 50 देखें आपको इस कंप्यूटर को दिया है जिसका नाम है खान। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, दिया है सर, कंप्यूटर नेम में जाएं, khanafghan.com, ठीक है। तो khanafghan.com को इसने वही आईपी दिया जो मैंने रिजर्व किया था क्योंकि इसके मैक एड्रेस को दिया था, और ये 26 वाला, वो 26 का जो स्टार था वो इसने उसको दिया है, ये जो रिस्टार्ट हुआ है, हाँ जो पहले वाला दिया इसने। अब इससे बाद में दूसरा आईपी है वो के लिए जाएगा, हाँ और के लिए जाएगा जो जो रिस्टार्ट होगा उसका। ये 50 वाला ही इसी के लिए रिजर्व था, रिजर्व को दिया। अगर ये दोबारा रिस्टार्ट हो जाए फिर भी इसको यही मिलेगा, 50 मिलेगा, 50। सर उस अभी तीसरे वाला रिस्टार्ट करेंगे उसके लिए क्या आईपी देना है? हाँ वो 27 मिलेगा फिर उसको, ये दो आईपी भी मिलेगा? नहीं, इसके साथ साथ नहीं, नहीं डोमेन और डीएनएस, हाँ वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि डोमेन क्या है, डीएनएस क्या है, राउटर क्या है, लेकिन उसका अपना आईपी जो होगा वो ये नहीं होगा, वो 27 होगा, वो दूसरा तो होगा। अभी इसका जो आईपी है ना ये 50 वाला, ये तो किसी को नहीं मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा, ये तो किसी को नहीं मिलेगा, ऐसे के लिए रिजर्व है। इसका इन्फॉर्मेशन भी चाहिए उसके लिए? नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन हर एक के पास अपनी इन्फॉर्मेशन। ओके, सेकंड केस आपके पास है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्कोप हो, मैं एक और स्कोप क्रिएट कर रहा हूँ, नेक्स्ट, इसका नाम मैं रखता हूँ सेकंड, इसकी मैं रेंज रखता हूँ कोई और 11.192.168.0.1 से लेकर 168.0.100। एक्सक्लूजन फिलहाल नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि दो स्कोप हो। ओके, नाउ एक आपके पास स्कोप है ये जो मैंने अभी बनाया है, एक आपके पास स्कोप था ये, दोनों को आप इकट्ठा करना चाहते हैं, दोनों को इकट्ठा करना चाहते हैं, ये क्लास ए क्लास बी है जी, ये क्लास ए है, ये क्लास सी है, दोनों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके न्यू सुपर स्कोप करेंगे, सुपर स्कोप नेक्स्ट करेंगे, इसका कोई भी कहता नाम दे दें, इसका नाम भी सुपर ही रख देते हैं। ना ये कह रहा है कि दो मेरे पास हैं, आप क्या करना चाहते हैं, दोनों को डालना चाहते हैं एक ही सुपर स्कोप में, दोनों को मैंने क्लिक सेलेक्ट कर लिया, दोनों सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करके फिनिश कर दूंगा तो एक ही अब देखें सुपर स्कोप बन गया है, उसी के अंदर दोनों स्कोप हैं। अब आप सिर्फ एक सुपर स्कोप की इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं डिस्प्ले स्टैटिस्टिक, तो कह रहा है कि मेरे पास दो स्कोप हैं और टोटल एड्रेसेस मेरे पास 189 है। अच्छा, इसके पास एड्रेस इन यूज़ अभी तक सिर्फ एक है, अवेलेबल 188 मेरे पास अवेलेबल है, तो ये आपके पास बता रहा है दोनों स्कोप्स आपके पास हैं। ये एक से ज़्यादा जितने मर्जी स्कोप आपने बनाने हैं, सब के सब को आपने सुपर स्कोप पर डाल देना है, सही सुपर स्कोप में। खैर अब मल्टी कास्ट स्कोप है इसको फिलहाल, ये क्या है सर मल्टी कास्ट? ये अगर एक से ज़्यादा आपके पास वो हैं क्या है? सुपर स्कोप जो है मतलब सुपर स्कोप, अच्छा उसको मल्टी कास्ट स्कोप बनाए सर, ये भी बनाए इसको हर चीज़ में, ये सेकेंड शूटिंग थर्ड, अच्छा